जीप अध्यक्ष ममता देवी ने पर्यटक स्थल महादेव मठ पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर क्षेत्र के लोगों के लिए कुशल मंगल व हरियाली की कामना की है। इस दौरान राजागढ़, सूर्य कुंड, शिव गुफा समेत अन्य जगहों का भ्रमण किया। वहीं चतरा के जीप सदस्य ने कहा कि महादेव मठ के चारों ओर पेड़ पौधा और पहाड़ से घिरा है। बीच में नदी और नदी के किनारे मंदिर काफ़ी आकर्षक का केंद्र है। यहाँ की प्रकृति भी दिल खोल कर सजाया गया है। मंदिर परिसर में बने जिला परिषद से बनी योजना की जांच की और कहा कि महादेव मठ पर्यटक के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। हाल ही में पर्यटक विभाग की बैठक में पारित योजना स्ट्रीट लाइट, शौचालय, PCC, जल मीनार निर्माण हेतु प्राकलन तैयार किया गया है। महादेव मठ में मैं पहली बार आई हूँ। हमारे पूजनीय आदरणीय बाबा जी के बुलावे पर और यहाँ मठ के जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस भव्य दर्शन के लिए मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पे मैं महादेव जी का दर्शन कर पाई। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ इसके लिए। और यहाँ जो अभी नेचुरल है वो बहुत ही दर्शनीय, देखने के लिए लुप्त, बहुत ही पर्यटक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ अभी फिलहाल तो साफ सफाई की आवश्यकता है और सौंदर्यीकरण की भी आवश्यकता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ सौंदर्यीकरण हो और भी इसे भव्य तरीक़े से पूरा विस्तारित रूप से इसका निर्माण हो। इसके लिए प्रचार प्रसार जग वगैरह करवाइए और पूरा देखिए अगर ये सुंदर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें तो प्रशासनिक द्वारा किया ही जा रहा है और यहाँ द्वार की भी ज़रूरत है। एक द्वार लग जाएगा तो लोग जानेंगे और पेपर के माध्यम, खासकर आप लोग के माध्यम से तो लोग जान ही सकते हैं मठ के द्वारा।